Hello students, let's see the questions. The question is, which of the following provides mechanical support to the growing parts of plants like young stem and petiole of a leaf? पूछा गया कि इनमें से कौन सा है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि यंग स्टेम हुआ एंड पेटियोल ऑफ लीव हुआ। तो ऑप्शन में क्या दिया है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स। तो ये दोनों जो है, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरह से मैकेनिकल टिश्यू है। ये क्या है, दिस आर मैकेनिकल टिश्यू जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो कोलेन्काइमा है, ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जबकि स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ये जो होता है डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो अगर हम देखें ग्रोइंग पार्ट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यंग स्टेम पेटियोल ऑफ लीफ है, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कोलेन्काइमा है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो कोलेन्काइमा जो है, ये जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे ग्रोइंग पार्ट पे। तो अगर हम देखें जैसे कि ये जो लीफ है, लीफ का ये पेटियोल है, तो पेटियोल में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो यंग स्टेम में, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या है, दिस सेकंड वन, दैट इज कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो नहीं है इसका, मेनली अगर हम देखें फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशन, इन सब में इन्वॉल्व है। जाइलम वेसल्स भी नहीं इसमें भी, अगर हम देखें डेड कंपोनेंट है जो कि इन्वॉल्व किसमें, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है उनमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे पेटियोल एंड यंग स्टेम में, अगर हम देखें मेनली जो प्रोवाइड कर रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट, वो कोलेन्काइमा। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखें आंसर कौन सा होगा, दिस सेकंड वन, दैट इज कोलेन्काइमा। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।